हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईपीएफओ से आप अपना पैसा कैसे विड्रॉ करें। तो सबसे पहले गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे हम ईपीएफओ। देखिए यहाँ पे ईपीएफओ का साइट आ जाएगा, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर देखिए फॉर एम्प्लॉइज़ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका आएगा मेम्बर UAN/ऑनलाइन सर्विसेज OCS/OTCP, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना UAN नंबर डालना होगा और आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद अपना कैप्चा कोड यहाँ पे डालें। तो चलिए मेरा UAN नंबर ऑटोमेटिक सेव है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। इसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डल जाएगा और यहाँ पे जो कैप्चा कोड रहेगा इसको डालिएगा। कैप्चा कोड सही से डालने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है साइन इन पे। तो लगता है मेरा कैप्चा वो सही से नहीं डला है, दोबारा से डाल के देखता हूँ। दोबारा से कैप्चा कोड डाल के दोबारा से क्लिक करता हूँ। अलर्ट आ रहा है ई नॉमिनेशन का, ई नॉमिनेशन मैं कर चुका हूँ इसलिए इसको मैं करता हूँ लेटर। तब यहाँ पे देखिए आपका होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए होम आ गया, यहाँ पे व्यू में प्रोफाइल आ जाएगा, सर्विस हिस्ट्री आएगा, UAN कार्ड आएगा, पासबुक आएगा, मैनेज पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल आएगा, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा, KYC होगा, ई नॉमिनेशन होगा और अकाउंट में चेंज पासवर्ड कर सकते हैं आप। ऑनलाइन सर्विस में जाना है आपको, अगर आपको क्लेम करना है आपका नाम, आपको अपना फंड निकालना है ईपीएफओ से, तो क्लेम पे क्लिक करेंगे हम। क्लेम फॉर 31/19/10C and 10, तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे क्लेम पे। क्लेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ऑनलाइन क्लेम। यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिसपे आप अपना विड्रॉ लेना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। अगर ये आपका अकाउंट नंबर सही नहीं होगा तो ये आपको वेरीफाई नहीं करेगा, अगर आपका अकाउंट नंबर सही होगा तो ये आपको वेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप पे भेज देगा। तो चलिए यहाँ पे वार्निंग का ऑप्शन आ रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, आई हेयरबाय अंडरटेक दैट नंबर वन आई हैव वेरीफाइड द डिस्प्लेड बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ माइन एंड आई अंडरस्टैंड दैट द क्लेम्ड अमाउंट विल बी क्रेडिट टू दिस बैंक अकाउंट बाई ईपीएफओ, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए नीचे अब आ जाएगा अभी आपका प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी वेरीफाई करेगा, इस तरह से आपका अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका जो UAN नंबर है वो आएगा और आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा और आपका जो पैन कार्ड डिटेल है वो यहाँ पे आएगा, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे आएगा, जिस भी फर्म में आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे ऑप्शन है PF एडवांस फॉर 31। तो इस पर क्लिक करने के बाद नीचे ये कुछ डिटेल मांगा, सिलेक्ट सर्विस, आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसका ये डिटेल देगा यहाँ पे, आपको किस उद्देश्य के लिए, आपको पर्पज के लिए लोन चाहिए वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज का एड्रेस आ जाएगा, एम्प्लॉयज का और फर्म का जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट कर देना है, यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा।
पे आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ चेकबुक और पासबुक की। तो आपने यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है स्कैन करके, या इसका फ़ोटो लेके कहीं मोबाइल से इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है आपने। का फोटो लिया हुआ है उसको अपलोड कर देता हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे डाल दिया है, अब इसके बाद आएगा कि आई सर्टिफाइड दैट आई हैव गोन थ्रू द डाटा सिटेड इन यूएएन पोर्टल एंड फाउंड ऑल डाटा इंक्लूडिंग फॉर्म नंबर 11 न्यू बैंक अकाउंट रेल और आधार नंबर। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने यूएएन पोर्टल पर सी डाटा को भलीभांति देख लिया है तथा फॉर्म नंबर 11, नए बैंक खाता विवरण और आधार संख्या सहित सभी डाटा सही पाए गए हैं। अभी यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने। मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और या वन टाइम पिन ओटीपी डेटा प्रदान करने के लिए सहमत हूँ। आई हेयरबाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर, बायोमेट्रिक एंड और वन टाइम पिन ओटीपी डाटा फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग माई आइडेंटिटी। गेट आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा अभी मोबाइल पे आपके। तो अभी आपके आधार पे ओटीपी आएगा, अभी यहाँ पे अपना ओटीपी नंबर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया है, अभी इसको हम वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है, ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल। अभी यहाँ पे देखिए प्रोसेस हो रहा है, देखिए ओटीपी हैज वेरीफाइड, केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफील्ड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ। तो आपका अभी सबमिट हो चुका है, तो आपका अप्रूव होने के बाद आपका जो एडवांस रहेगा ईपीएफओ का, जो भी आप अमाउंट निकाल रहे हैं, वो आपका 5 दिन से 10 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाएगा।